इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला है। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपता आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर सर, अरे राहुल जी बैठ जाइए, बोलिए। क्या अध्यक्ष देखो, कोई राय नहीं आएगा आपकी तरफ से, बोल दीजिए। तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी के तंत्र में भी सर आप ऐसे रहिए सर। राहुल जी बोलिए, आई एम नॉट स्पीक अंटिल दैट वॉइस। इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर,
मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला है। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपका आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सर, कल प्रधानमंत्री मोदी जी के समय भी सर आप ऐसे रहिए सर। मैं उसकी कंट्रोल देखा है। Sir, he's got it.